हरे कृष्ण साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पैशन मैथ स्टडी में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 8 प्रश्नावली 2.1 एक चर वाले रैखिक समीकरण, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, यानी कि इसमें वन यानी कि एक ही वेरिएबल रहेगा, यानी कि चरों की संख्या एक रहेगा और हमारा कॉन्स्टेंट रहेगा, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं एक चर वाला रैखिक समीकरण। इसका जो हुआ हम क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ये जो हुआ इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो देखिए कहता है निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए, हल ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये जो है हमारा समीकरण दिया हुआ है। समीकरण किनको कहते हैं, जब जो है बराबर के इशार अगर जीरो रहेगा तो उसको हम समीकरण कहेंगे, बराबर के इशार जो है कुछ भी रहेगा तो उसको हम समीकरण कहेंगे, ठीक है। तो देखिए बराबर के इशार हमारा 15 है तो ये हमारा समीकरण होगा, ठीक है। तो चलिए इसको जो है हम हल करते हैं, तो यहाँ पे जो है हम हल दे देंगे, ठीक है, और फिर जाके इसको हल करेगा, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा और इधर कर देते हैं, चलिए इसको हल करते हैं। तो देखिए ये जो है वो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो इसका मतलब हुआ गुना। ये देखिए इसका मतलब हुआ 3 को जो है वो हम x से गुना कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। 3 को हम x से गुना करेंगे माइनस, ये 3 को फिर 3 से गुना करेंगे, तो 3 × 3 बराबर ये 15 हो जाएगा। ये हो गया। तो अब देखिए ये हमारा जो है वो इसको हम ये चिन्ह दे देंगे, और देखिए ये हमारा 3x और ये 3 किया कितना होता है तो 9 होता है, तो −9 = ये हमारा 15 हो गया, ठीक है। अब हम इसमें पक्षांतर करते हैं, यानी x वाला टर्म को हम x वाला पद को एक साइड करते हैं और जिसमें x नहीं लगा है उसको हम एक साइड कर देते हैं, या फिर ये भी हम कर सकते हैं जिसमें यानी कि चर वाला को हम एक साइड करते हैं और अचर वाले को हम एक साइड कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो है हम चर वाला, तो चर वाला जो है वो हमारा क्या होना है 3x है, अचर हमारा −9 है तो अचर को हम इस साइड भेज देंगे, यानी यही हमारा पक्षांतर कहलाएगा। तो ये देखिए ये हमारा 3x = ये भाई से −9 इस साइड जाएगा तो प्लस में चेंज हो जाएगा, किस में चेंज होगा दोस्तों, तो प्लस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये तो हम बहुत ही आसानी से बता रहे हैं, तो आप लोग जो है वो इसको समझते जाइएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे ये जो है हमारा 3x = 15 में 9 जोड़ेंगे तो 15 × 9 कितना होता है तो 24 होता है, तो 24 हो गया, ठीक है। 15 × 9 = 24 हो गया। अब हमको एक्स का मान चाहिए ना, तो हम यहाँ पर देयरफॉर x = हम क्या देंगे 24/3 दे देंगे। तो देखिए 3 के खात में जो है 8 बार में आता है, 8 × 24 8, यानी कि 8 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीके से समझ गए होंगे। तो अब देखिए इसमें हम देखते हैं, तो इसमें हम देखते हैं तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और यहाँ पे इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसमें जो हुआ हम यानी कि जो जिसमें चर है उसको हम एक साइड करते हैं, जिसमें अचर है उसको हम एक साइड करते हैं, यानी कि जिसमें एक्स वाला टर्म है उसको हम एक साइड रखते हैं और जिसमें एक्स नहीं लगा उसको हम उस साइड कर देते हैं। तो देखिए ये −7 में नहीं लगा हुआ एक्स तो इसको हम इस साइड भेज देंगे, तो ये हमारा बचेगा x/2 = ये हमारा 15 और ये इसको माइनस से, यानी देखिए जब ये माइनस से बराबर के इस साइड आएगा तो ये −7 प्लस में हो जाएगा, अगर ये प्लस में रहता इस साइड रहता तो माइनस में हो जाता, तो ये हमारा माइनस में इस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 15 + 7 हो जाएगा। तो अब देखिए ये x/2 और देखिए ये 15 + 7 कितना होता है, तो 15 + 7 होता है 22 / 1 लिख सकते हैं। अब देखिए इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि x को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x हो जाएगा, 22 को 2 से गुना कर देंगे तो 22 × 2, ठीक है। ये देखिए कैसे हम गुना करते हैं, x को 1 से गुना किए तो x, 22 को 2 से गुना किए तो 22 हो गया। तो अब देखिए देयरफॉर ये x = ये 22 × 2 = 44, ये देखिए ये 2 को नीचे एगो ऊपर, इसको हम देयरफॉर कहते हैं या फिर हिंदी में हम इसीलिए कहते हैं, ठीक है। 22 × 2 = 44 इसका क्या हो जाएगा तो आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें हम इसको सॉल्व करते हैं, देखिए हमारा x वाला टर्म ये है और बिना x वाला है, तो बिना x वाले को हम उस साइड भेज देंगे, तो ये −2x/7 और ये हमारा हो जाएगा 8 − 2। अब देखिए ये −2x/7, अब देखिए ये 8 − 2 जाएगा यानी कि जाएगा तो 6 हो जाएगा। देखिए इसको हम काट भी सकते हैं, ठीक है, अगर आपको नहीं काटने का मन है तो नहीं काटिए। ये देखिए अब जो हुआ इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखिए कोना कोनी मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इस भाई साहब से, इसको इस भाई साहब से, देखिए 2 को यानी कि इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x × 1 बराबर ये 7 × 6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये −2x = 7 को कहाँ तो 6 बार पड़ेंगे, 7 × 6 = 42, ये हमारा 42 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो है हमारा x = अब देखिए ये जो है हमारा गुना में है इस साइड रहेगा तो भाग में आ जाएगा, अर्थात 42/-2, तो देखिए ये हमारा कर जाएगा 21 बार में, तो देयरफॉर ये x = हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये हमारा −21 हो जाएगा, यही जो है वह इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये प्रश्न संख्या 1, 2, 3 ये जो है वो तीनों बहुत ही आसानी पूर्वक जो है वो समझ गए होंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसके 4 नंबर क्वेश्चन के साथ। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के भी शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए आए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जय हिंद।